रोहतक शहर के कई कॉलोनियों के निवासियों को एक बार फिर से जलभराव का डर सताने लगा है, क्योंकि वे 30 जून को बरसात में अपनी कॉलोनियों के हालात देख चुके हैं। अब जैसे जैसे बरसात होने की सूचनाएं मिल रही हैं, उन्हें एक बार फिर से वही मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगा है। आने वाली बरसात में उन्हें कोई परेशानी न हो, इस वजह से शहर के कई कॉलोनियों के निवासियों ने जिला उपायुक्त कैंप कार्यालय पहुंचकर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अब बरसात होने पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। बता दें, गुरु नानकपुरम कृष्णा कॉलोनी साईदास कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि उनकी कॉलोनी के पास एक तालाब था जिसमें बरसात के दिनों में कॉलोनी का पानी चला जाता था, लेकिन अब उस तालाब पर कब्जा हो गया है और यही नहीं, सीवर की व्यवस्था बेहतर नहीं है। इसीलिए 30 जून की बरसात में उनके यहाँ कॉलोनियों के बुरे हालात हो गए थे और स्थिति ये थी कि घरों में 4-4 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से उनके घरों का सामान भी खराब हो गया था। आज भी यही मांग करने के लिए आए हैं कि सभी गरीब तबके से संबंधित लोग हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए और साथ ही सीवर तथा पानी की निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में अगर बरसात आती है तो फिर से वही हालात उत्पन्न न हो। समस्या क्या है कि कृष्णा कॉलोनी, महावीर कॉलोनी भी, साईदास कॉलोनी के ये जितने भी आए हैं, समस्या क्या है कि जब बरसात का समय आता है तो प्रशासन की ओर से कोई विशेष तैयारी हो ही नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो तालाब था उस पर अतिक्रमण हो चुका है, वहाँ पे पानी के यानी कि जाने की जगह तो है मगर उसकी निकासी का कोई साधन नहीं है। बार बार प्रार्थना करने के बाद आज ये पोजीशन थी कि 4-4 फुट घरों में लोगों के पानी, क्योंकि ये जो जितना है तबका, ये सारा गरीब तबका है, ये बेचारे अपने घर बच्चों परिवार को पालेंगे या मान लो भी इसकी तरफ ध्यान देंगे। आज किसी घर में जाके आप देख सकते हो कि कोई घर नहीं बचा होगा जिसका नुकसान नहीं हुआ। हम तो प्रशासन से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए और मुआवजा, क्योंकि गरीब परिवार हैं। महावीर कॉलोनी के निवासियों, मेरी गली में पानी सबसे ज़्यादा भर जाता है, कृपाल नगर का भी सारा पानी हमारी गली में आता है और जितने आस पड़ोस के घर हैं आप कभी आके देखो, 5-5, 6-6 कमर तक का पानी होता है। जब 30 तारीख को बारिश आई है, देखो ये भाई साहब चीवर में गिर गए, इनका प्लास्टर लग गया और इनके घर का तो सारा सामान पानी में, हमारा खुद डिस्पोजल पानी में बह गया, कृष्णा कॉलोनी की दीवार गिर गई, कोई भी कवर नहीं। अब फिर 19 तारीख को बारिश आ गया, फिर भी 2-2 फुट पानी वह पकड़ पानी आ जाता पूरे कॉलोनी के। हम चाहते हैं कि हमारी गली ऊँची की जाए, शिवर डाले जाएँ, क्योंकि रुके हुए हैं और हमें ये नहीं है कि हमें कोई मुआवजा दे, हमें ये है कि हमारी कॉलोनी का सुधार हो। सबसे पहले कि हमारी कॉलोनी का सुधार होना चाहिए, कोई गरीब अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि हर बार बार अपने घर का देखता रह जाए।